ध्यान दें, इसका नाम है मोर पीस और इसमें पीछे इसमें रीड यही लगे हैं, यही रीड है, चेचिस लगा हुआ है। ये पहला भाग है क्लार्नेट का, सबसे पहला भाग। दूसर का टुकड़ा जो है, दूसर का टुकड़ा ठीक है, इसमें जोड़ा जाता है। अच्छा जी, इसका बोल बदलत चला जाएगा। अच्छा, ये तीसरे का पीस है। अच्छा, ये तीसरा पीस है, इसमें बहुत सारे छिद्र, बहुत चाबी है इसमें, इसमें भी बहुत सारे चाबियां हैं, चाबी है, और ये है जो यहाँ से इस जोड़ पर से, इस जोड़ पर से चार भाग हो गया। अच्छा, ये चौथा भाग हो गया और ये निचला वाला पांच हो गया, ये पांचवा भाग हो गया जो पूरा ऐसे खुला हुआ है। ठीक है, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। आइए, आज हम आ गए हैं एक बहुत ही अच्छे कलाकार के पास। क्लार्नेट की दुनिया में इनका बहुत ही योगदान रहा है, लेकिन अब ये क्लार्नेट बहुत कम बजाते हैं। और आइए इनसे जानते हैं इनका पूरा परिचय कि ये क्लार्नेट कब से बजा रहे हैं और क्लार्नेट ही क्यों इन्होंने चुना संगीत में, क्लार्नेट ही क्यों ये चुने संगीत में, बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो आइए इनसे इनका पूरा बायोडाटा, हम पूरा परिचय पूछते हैं। तो बाबा जी, आप अपना सबसे पहले नाम बताएं हमें। मास्टर लक्ष्मण जी। मास्टर लक्ष्मण जी हैं इनका नाम, और आप रहने वाले हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के हैं। बोला पड़ता है भोपतपुर पुरानी डी। हाँ, भोपतपुर पुरानी डी के रहने वाले हैं, जिनका संगीत में बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए इनसे हम जानेंगे। तो आप कब से बजा रहे हैं क्लार्नेट? हमको 55 वर्ष। 55 वर्ष से ये बजा रहे हैं, इसका मतलब ये साबित होता है कि इनका उम्र जो है वो 80 से यानी 80 के आसपास का इनका उम्र होगा। क्यों बाबा जी? 80 के आसपास का इनका उम्र है, और इस अवस्था में भी अभी इनकी आवाज में वो तासीर है, वो जादू है कि आप सुनेंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। तो आप वीडियो पर बने रहें और देखें इनके क्लार्नेट का जादू। और ये बहुत सारे साज बजाते हैं। आज तो हम इनसे क्लार्नेट की खूबियों के बारे में जानेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में और सब साज, जैसे ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, सैक्सोफोन बजाते हैं, बहुत सारे साज बहुत ही खूबसूरत ढंग से बजाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि संगीत की दुनिया में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो साज आप इनके हाथों में देख रहे हैं, ये जो साज, ये क्लार्नेट इसका नाम है। थोड़ा आगे करके बाबा जी बताएंगे इसको, थोड़ा आगे करेंगे क्लार्नेट को, थोड़ा सा आगे, और पूरा हम अपने श्रोताओं को दिखा दें। ये साज है क्लार्नेट जिसका नाम है, और इसको हम लोग देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, इसको देहाती भाषा में इसको क्या बोलते हैं? किलाठ भी इसको हम देहाती भाषा में, देहात गांवों में लोग इसको किलाठ भी कहते हैं। ठीक है, इनका नाम है क्लार्नेट, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है क्लार्नेट। तो आप कब से बजा रहे हैं? लगभग 55 साल से। 55 वर्ष। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताएं कि आपने क्लार्नेट ही क्यों चुना? संगीत में बहुत सारे साज हैं बजाने के लिए, लेकिन आप क्लार्नेट क्यों आपने पसंद किया? क्लार्नेट में क्या ऐसी खूबियां हैं? इसका खूबी यही है कि इसका बाज बहुत कठोर होता है। अच्छा, यानी इसको बहुत कठिनाई से बजाया जाता है। नाइस, बाज यानी बहुत खूबसूरत होती है। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे बैंड बाजों में क्लार्नेट जो बजाते हैं वो मेन परफॉर्मर होते हैं, उस पूरे बैंड के मेन परफॉर्मर यानी मेन आर्टिस्ट होते हैं, और उन्हीं के पीछे पूरा बैंड का जो जितना भी साजो सज्जा होता है, तो उन्हीं के पीछे पीछे सब लोग सहयोगी गण उनका सहयोग करते हैं, लेकिन आगे रहते हैं। लेकिन सबसे मेन होते हैं उसमें जो क्लार्नेट के वादक होते हैं, जो क्लार्नेट। सबसे पहले बताएं कि ये क्लार्नेट की बनावट कैसी है, ये कितने खंडों में है, कितनी चाबियां हैं इसमें, कितने छिद्र होते हैं? तो टुकड़ा जो है
क्लैरेट में 500 टुकड़ा होता है, मतलब 5 भागों में इसको बांटा जा सकता है, बांटा जाता है। अच्छा, तो क्या 5 भागों में इसको बांट के बता सकते हैं? हाँ बता देंगे। थोड़ा बताया जाए हमारे, जैसे बांस का रीड है जी, पहल का वो गया उससे बचता है। अच्छा जी, पहल का जो है जो मोरपीस के नाम है, मोरपीस इसमें कौन है थोड़ा बताया जाए? बीट यही है, इसको निकाल के बता दे। हाँ, थोड़ा निकाल यही है। यानी इसको कसा गया है, देखिए यही है। अच्छा अच्छा, ये है मोरपीस। आप श्रोताओं ध्यान दे, इसका नाम है मोरपीस और इसमें पीछे इसमें रीड यही लगे हैं, यही रीड है, रीड है। अच्छा, चेचिस है। अच्छा, चेचिस बोलते हैं इसको। तो इसका नाम है मोरपीस, इसमें ये किस चीज का बना होता है? ये रीड किस चीज? बेत का। अच्छा, ये बेत का होता है, बेत का। तो श्रोताओं आप देख रहे हैं ये बेत का होता है, इसका नाम है मोरपीस और इसमें चेचिस लगा हुआ है। ये पहला भाग है क्लार्नेट का, सबसे पहला भाग। दूसर का टुकड़ा जो है, दूसर का टुकड़ा, ठीक है, इसमें जोड़ा जाता है। अच्छा जी, इसका बोल बदलत चला जाएगा। अच्छा, इसको बोल बदलने के लिए इसको लगाते हैं। ये दूसरा पीस हो गया, दूसरा पीस। अच्छा जी, ठीक है। फिर तीसर का पीस जो है, अच्छा तीसरा पीस देखेंगे वो कैसा होता है। देखिए तीसर का पीस है। अच्छा, ये तीसरा पीस है, इसमें बहुत सारे छिद्र, बहुत चाबी है इसमें, इसमें भी बहुत सारे चाबियां हैं, चाबी है और नाखूना है। अच्छा, इसमें नाखूना है, मतलब जो बाज निकलता है। अच्छा जी, तो ये तीसरा पीस हो गया, हो गया। अच्छा, चौथा पीस देखिए, ये चौथा पीस हमारे बाबा जी खोल रहे हैं, इसको देखेंगे, बहुत टाइट है, इसको खोलने में बहुत ज्यादा मेहनत भी लग रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इस जोड़ पर से चार भाग हो गया। अच्छा, ये चौथा भाग हो गया और ये निचला वाला पांच हो गया, ये पांचवा भाग हो गया जो पूरा ऐसे खुला हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये किस चीज का बना होता है? ये जो है सो लाह का होता है। अच्छा, लाह का बना होता है, लाह का बनता है। अच्छा अच्छा, लाह का बनता है। ये जो है इसका चांदी के भी है। अच्छा जी, ये बटन जो है, अच्छा जी, चांदी का होता है, चांदी का भी बना होता है बटन, और गिल्लट का भी होता है, और गिल्लट का भी होता है, दोनों का होता है। अच्छा, तो अब बाबा जी इसको पहले आप जोड़ लें, जैसे था वैसे जोड़ लें, फिर बाबा जी से हम सुनते हैं। हो गया जी जी, तीसरा का देखिए, इसको जोड़ते कैसे हैं? ठीक, ये जोड़ रहे हैं। हाँ, तीसरा का हो गया और चौथा का भाग देखिए, ये चौथा भाग हो गया, हो गया चौथ का, चौथा भाग हो गया, पांचवा भाग हो गया। अच्छा जी, अब कोई अगर हमसे अगर कंपटीशन कर लेगा, कंपटीशन जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन जी जी, हाँ जी, तो ये जो बांस का जो है, बेत का जो रीड जो है, अच्छा जी, इसको भी खोल देंगे। अच्छा जी, और औंठा से इसको बजा लेंगे। अच्छा, औंठा से भी इसको बजाया जा सकता है, वाह क्या बात है। देखना, देखिए ये होता है गुरु का आशीर्वाद और शिक्षा। ये कह रहे हैं कि हम अंगूठा से भी इसको बजा सकते हैं इमरजेंसी में, या किसी से कंपटीशन हो जाए, वैसी अगर नौबत आ जाए, समय आ जाए, तो हम अंगूठा से भी बजा के दिखा सकते हैं। तो पूरा कस लिए हैं, अब ये पूरा क्लार्नेट तैयार हो गया, तैयार हो गया। बाबा जी से सुनते हैं एक सुंदर सा प्यारा सा धुन, तो बाबा जी कुछ बजा के और बताएं हमारे श्रोताओं को। अच्छा, ये हम आपको लगता है कि ये धुन था जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, क्या बात है। आपने सुना कि हमारे बाबा जी बजाए जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, और कितना सुंदर, कितना कोकिला इस साज का आवाज है, आप सुन रहे हैं। एक छोटा सा और धुन कोई बजाइए, दूसरा कुबेर जो गाना होता है, कुबेर और कुबेर को गाना हम सुना देते हैं। अच्छा, कुबेर का गाना सुनेंगे बाबा जी।
इतना सुंदर कुबेर का इन्होंने गाना सुनाया, यानी सोहर, जिसको हम लोग सोहर बोलते हैं, क्यों बाबा, जिसको हम लोग सोहर बोलते हैं उसको कुबेर भी बोला जाता है। बड़ा ही सुहावन धुन होता है, बड़ा ही सुहावन राग होता है। कौन समय में बोल, किसी भी समय में इसको आप गा सकते हैं, 24 घंटे में आप कभी भी इसको गा सकते हैं, इसीलिए इसको कुबेर बोला जाता है, क्यों बाबा, इसीलिए इसको कुबेर बोला जाता है। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही सुंदर। आप इसी तरह हमारी वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस तरह के वीडियो देखने के लिए। आपको हमेशा इसी तरह के नए नए कलाकारों से हम मिलवाते रहेंगे, अजनबी कलाकारों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।